प्रेमी सजनों, ये रागनी आपके बीच में रूप और बसंत के किस्से की बात उस समय की, जब रूप को सर्प ने डस लिया तो बसंत अपने भाई को देख के रोने लग जाता है, क्योंकि दोनों भाई जंगल बियाबान में मौसी के द्वारा निकाले हुए अपना गुजारा कर रहे थे, और जैसे ही भाई को सर्प ने डसा और उसका शरीर नीला हो जाता है तो बसंत की आंखों से आंसू जा रहे हैं। यहाँ का हाल कवि ने वर्णन किया, सुनेगा देहाती रागनी एनडीजे के माध्यम से, गा रही है मन्नू तवर राजस्थान से, जिसमें बहुत अच्छा संगीत दिया है मास्टर हंसराज जी ने, ढोलक पे हैं राजू गोला जी, बेंजो पे हैं भाई लोकेश जी, पैड पे बजा रहे हैं हमारे भाई हरीश, और नंगारे पे संगत कर रहे हैं भाई मुबारक जी। आइए रागनी के माध्यम से सुनेगा कवि ने कैसा क्या लिखा है।